हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्वादिष्ट स्पेशल सब्जी की रेसिपी, जिसका नाम है बेसन की सब्जी। जब आपके घर में बारिश के मौसम में कोई भी सब्जी ना हो तो आप इस सब्जी को ट्राई कर सकते हो। खट्टे की सब्जी बनाने के लिए हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ये गट्टे की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। गट्टे की सब्जी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बोल में 1 कप बेसन डालें, 1/4 टीस्पून खरा जीरा डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे क्रश्ड अजवाइन भी डाल सकते हो। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून देगी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 पिंच बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून घी डालेंगे। इसे डालने से आपके गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। 3-4 टीस्पून दही डालेंगे। और अब हम इन सारी सामग्रियों को एक फोर्क या आप अपने हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि आप इस स्टेज पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसे हमें ड्राई ही पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो कि मैंने इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर वाटर ऐड करेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका एक सॉफ्ट एंड स्मूथ आटा लगाकर तैयार करेंगे। और अब आप देख सकते हो कि आटा लगकर बिल्कुल तैयार है। और इस आटे को लगाने में हमने केवल 2 टेबलस्पून वाटर का इस्तेमाल किया है। बेसन का डो बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि पानी का इस्तेमाल आप कम करें, नहीं तो आपका डो गीला हो सकता है। आटे को आपको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सॉफ्ट लगाकर तैयार करना है। इसके बीच में कोई भी गुठलियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके गट्टे सॉफ्ट बनकर तैयार नहीं होंगे। और अब आप यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आटे को चिकना कर लेंगे। और अब आप देख सकते हो कि हमारा डो बिल्कुल चिकना होकर तैयार है, प्रॉपर तरह से यह आटा लगकर तैयार है। तो अब आप इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। आप गैस ऑन कर एक बर्तन चढ़ाएं, उसमें पानी डालिए और उसे ढककर उबलने के लिए रख दें। 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब आप देख सकते हो आटा भी हमारा सेट होकर तैयार है। तो इसे एक बार और अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और अब आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेके अपने हाथों को चिकना कर लें और आटे से छोटी छोटी लोइयां बना लें। ऐसा करने से आटा आपके हाथों में चिपकेगा नहीं। और अब हम एक छोटी सी लोई लेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों के बीच में घुमाते हुए लंबाई के आकार में इसका एक लॉन्ग लॉग बनाकर तैयार कर लेंगे इस तरह से। और अब आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक लंबाई शेप का गट्टा बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम बाकी के भी गट्टे को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारे गट्टे बनके तैयार हैं। पानी में उबाल आ चुका है और अब आप इसमें एक एक करके गट्टे डालें। गट्टे को आप हाई फ्लेम पे 10-12 मिनट्स के लिए पका लें। 10-12 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि गट्टे पानी के ऊपर आ चुके हैं। इसका मतलब है कि गट्टे हमारे अच्छे तरह से पककर तैयार हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। और अब आप एक गट्टे को लेकर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें इस तरह से, और बाकी के भी गट्टों को हम इसी तरह से काट कर तैयार कर लेंगे। और अब आप देख सकते हो कि हमने सारे गट्टे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इस तरह से।
और अब आप एक पैन चढ़ाएं, उसमें 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करें और उसमें गट्टे डालें और उसे शैलो फ्राई कर लें। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब आप 2 मीडियम साइज के प्याज ले लें, 1 बड़ा टमाटर ले लें, 7 से 8 पीस लहसुन की, 2 पीस हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा ले लें और इसे एक ब्लेंडिंग जार में डाल के इसे स्मूथ ब्लेंड करके तैयार कर लें। और अब आप एक कढ़ाई चढ़ाएं, उसमें 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालें और उसे अच्छी तरह से गर्म कर लें और उसके बाद फ्लेम को आप लो कर दें, तेल को थोड़ा ठंडा होने दें और इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तेज पत्ता डालेंगे, 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून देगी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जिससे हमारी ग्रेवी में एक अच्छा कलर आएगा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। और अब आप सारे मसालों को एक बार अच्छी तरह से मिला लें। अब हम इसमें प्याज टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे 7 से 8 मिनट्स के लिए इसे भून लेंगे। ध्यान रहे कि बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो मसाले हमारे नीचे से सट सकते हैं। सात से आठ मिनट हो चुके हैं और अब हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी को हाथों से क्रश करकर इस ग्रेवी में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें मिलाते हुए 4 से 5 मिनट और भूनना है। इसे तब तक भूनना है जब तक कि हमारे मसालों से तेल ना छूटना स्टार्ट हो जाए। और अब आप देख सकते हो कि मसालों से तेल अलग होना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम इसमें 3 टेबलस्पून दही डालेंगे। ध्यान रहे कि दही को हमें एक साथ नहीं डालना है, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो दही फट सकती है। ग्रेवी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और नमक स्वादानुसार डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे निरंतर मिलाते रहेंगे। ध्यान रहे कि इसमें हमने दही डाली है, इसलिए हमें इसे उबाल आने तक निरंतर मिलाते रहना है, नहीं तो दही फट सकती है। मैंने यहाँ पे प्लेन वाटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो जिस पानी में हमने गट्टे को उबाला था उस पानी का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रेवी को स्टार्टिंग में पतला ही रखें, क्योंकि जब हम इसमें गट्टे डालेंगे तो गट्टे भी ग्रेवी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। और अब आप देख सकते हो कि ग्रेवी में उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें जो हमने शैलो फ्राई करके गट्टे रखे थे उसे डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारे गट्टे अच्छे से ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लें। 5 मिनट हो चुके हैं तो अब आप लिड हटाकर देखें, आप देख सकते हैं गट्टे की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। हमने यहाँ पे पतली ग्रेवी बनाई है, आप अपने पसंद के हिसाब से गाढ़ी या पतली ग्रेवी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे टमाटर और प्याज वाली ग्रेवी बनाई है, आप चाहो तो दही वाली भी ग्रेवी बना के इस गट्टे को ऐड कर सकते हैं उसमें। गैस ऑफ कर दें और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें। स्वादिष्ट गट्टे की सब्जी तैयार है और आप इसे स्टीम राइस और पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको मेरे गट्टे की सब्जी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। सो हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।